तो अब शुरू करते हैं हम नया चैप्टर जिसका नाम है इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो क्या क्या इम्पैक्ट हुआ है हमारा क्लाइमेट चेंज का, उसको देखते हैं। तो पहला इम्पैक्ट देखते हैं दोस्तों, हमारा हुआ है एग्रीकल्चर पे और फूड सिक्योरिटी पे। एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी पे इम्पैक्ट होने का मतलब ये है कि दोस्तों, यदि एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी पे इम्पैक्ट हो रहा है तो पोरेस्ट कंट्रीज जो हैं ये सबसे ज़्यादा लॉस होगा उनको। क्यों? क्योंकि जो भी डेवलपिंग कंट्री होती है, डेवलपिंग कंट्री में एक क्राइटेरिया होता है कि उसकी मैक्सिमम पॉपुलेशन जो होती है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड होती है। जैसे बात कर लें हम इंडिया की, तो इसकी भी 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। वैसे पोरेस्ट कंट्री जो भी होती है, इनका जो भी पॉपुलेशन होता है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड होती है। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आने वाली है वो पोरेस्ट कंट्री को आने वाली है, जो पुअर कंट्रीज हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं। ठीक है, जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। तो दोस्तों क्या होगा, बेसिकली पहला काम ये होगा कि हमारा जो क्रॉप है उसका यील्ड रिड्यूस हो जाएगा। अब क्रॉप का यील्ड क्यों रिड्यूस हो जाएगा? क्रॉप के लिए बेसिकली हमको क्या चाहिए? फर्टिलाइजर चाहिए और वाटर चाहिए, इरिगेशन फैसिलिटी चाहिए। तो जो भी हमारी डेवलपिंग कंट्री होती है, इनकी इरिगेशन फैसिलिटी जो होती है ये बेसिकली मानसून पर डिपेंड करती है या रेनफॉल पर डिपेंड करती है। और ये क्या होगा, जब हमारा क्लाइमेट चेंज होगा तो रेनफॉल या तो नहीं होगा, या तो देर में होगा, या तो पहले होगा। ठीक है, या तो ड्रॉट लाइक कंडीशन होगी, या वहां पे फ्लड आ जाएगा, सूखा पड़ेगा, या तो बाढ़ आ जाएगी। तो ऐसी कंडीशन होगी। अब बेसिकली एग्रीकल्चर में क्या चाहिए कि सही टाइम पे इनपुट चाहिए, अदरवाइज हमारा क्रॉप क्या हो जाएगा, फेल्यूर हो जाएगा, हमारा क्रॉप की यील्ड रिड्यूस हो जाएगी। तो पहला काम यहाँ पे होगा कि हमारा क्रॉप की यील्ड रिड्यूस हो जाएगी। और दूसरी चीज़ यदि हमारा देखें कि हमारा जो टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है 1 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड, यदि टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा? बेसिकली जो ये टेम्परेचर दोस्तों हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, ये हम देखते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब हुआ हमारे इंग्लैंड में 1750 में, तब से ही तो CO2 इमिशन ज़्यादा हुआ है। CO2 वहाँ से इमिशन ज़्यादा हुआ तो वो हमारा बेंच मार्क होता है कि वहाँ से कितना CO2 हमने इमिट कर दिया है। और CO2 इमिट होने के साथ क्या हो रहा है कि हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है हमारा एटमॉस्फेयर का। तो 1 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड यदि टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो दोस्तों टेम्परेट रीजन बोले तो 23.5 नॉर्थ एंड एबव, 23.5 साउथ एंड बिलो इन सदर्न नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर रिस्पेक्टिवली, तो इन रीजन को प्रॉफिट होगा क्योंकि वहाँ पे सनरेज ज़्यादा नहीं जाती, एनर्जी डेफिसिट होती है। तो उन रीजन में यदि इतना टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उनको प्रॉफिट होता है, उनका क्रॉप इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन जो हमारे सेरल्स हैं, सेरल्स मतलब मोटे अनाज जो होते हैं, बेसिकली ये ड्राई रीजन में होते हैं, इंडिया में राजस्थान और एरिड और सेमी एरिड जो उसके रीजन है राजस्थान में, उसमें बेसिक होते हैं। तो इनके इनका ये क्या होगा, इनका यील्ड रिड्यूस हो जाएगा। तो टेम्परेट रीजन को फायदा होगा और जो ड्राई रीजन के हमारे लैंड हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनको घाटा होगा जहाँ पे सीरल्स मिलते हैं, उगते हैं। और यदि टेम्परेचर ग्रेटर देन 3 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज हो गया तो ये निगेटिव इफेक्ट होगा एवरी रीजन ऑफ द वर्ल्ड, हर जगह निगेटिव इम्पैक्ट ही होगा, कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट कहीं पे भी नहीं होगा। ओके, दो चीज़ें हमारी क्लियर हो गई। तीसरी चीज़ है क्या होगा, ये हमारा इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा करेगा पोरेस्ट कंट्री में, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा क्योंकि वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड होती है और उनका यील्ड रिड्यूस हो जाएगा। इसके बाद यदि हम बात करें ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिक रीजन में, तो सब ट्रॉपिक और ट्रॉपिक रीजन में क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे एनर्जी का सरप्लस होता है, यहाँ पे ही हमारा सन ओवरहेड करता है बिटवीन द ट्रॉपिक्स। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, जो ग्लेशियर हैं वो मेल्ट होंगे। तो पहले क्या होगा कि हमारा वाटर इंक्रीज करेगा, फर्स्ट वाटर इंक्रीज करेगा, फिर हमारा वाटर, क्योंकि अब मेल्ट होंगे वाटर तो इंक्रीज ही करता जाएगा ग्लेशियर्स में, अब इंक्रीज करेगा, लेकिन जैसे ही ये ग्लेशियर्स हमारा पिघल जाएगा तो हमारा वाटर डिक्रीज करना शुरू कर जाएंगे। और दोनों ही केसेस में हमारा क्या होगा कि यहाँ पे इंसेक्ट्स और पेस्टिसाइड्स, इंसेक्ट ज़्यादा लगेंगे फसल पे, पेस्टिसाइड ज़्यादा यूज़ होगा, ये हमारा यूज़ होगा, हमारा क्रॉप यील्ड रिड्यूस हो जाएगा। ओके, और दोस्तों एक जगह फायदा दिखता है, इसका फायदा है हाई एल्टीट्यूड रीजन में, जो पहाड़ी वाले इलाके हैं जहाँ पे ग्लेशियर्स हैं, जहाँ पे बर्फ से ढका रहता है, तो बर्फ पिघलेगी तो वो पहाड़ियाँ खाली हो जाएंगी, तो वहाँ पे अरेबल लैंड हमारा इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, वहाँ पे हम खेती कर सकते हैं, लेकिन ये वही हुआ कि 90% लॉस करके 10% का गेन है। ओके, 9 की लकड़ी 90 खर्च, तो वही कहानी है इसमें। और यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे स्नो मेल्ट होगा, इसीलिए हमारा क्या होगा, वो अरेबल लैंड बढ़ जाएगा हमारा हाई एल्टीट्यूड रीजन में। अब देखो दोस्तों क्या होता है कि जैसे सी लेवल राइज करता है तो पहली बात क्या होगा कि सी लेवल राइज होने से जो कोस्टल एरियाज हैं, जो हमारे आइलैंड कंट्रीज हैं, ये सबमर्ज होना शुरू हो जाएंगे। पहली बात तो ये सबमर्ज होना शुरू हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा एक फर्टाइल रीजन होता है हमारा
एस्चुरी, एस्चुरी का जो रीजन होता है ये बेसिकली वेटलैंड में आता है, कोस्टल एरियाज में आता है, और ये रीजन काफ़ी फर्टाइल होता है और नियरली 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है एस्चुरीज में। तो एस्चुरी क्या होगा कि ये हमारा इरोजन होना शुरू हो जाएगा इस रीजन में, तो जो मैंग्रोव्स हैं और एस्चुरीज हैं इनको काफ़ी नुकसान होगा हमें, ठीक है। और इनको नुकसान होने के साथ साथ दोस्तों क्या होगा कि ये बेसिक चीज़ हमारी क्या है, ये कार्बन सिंक करती हैं, CO2 का हमारा सिंक करती हैं, तो ये सिंकिंग क्या हो जाएगी, हमारी रिड्यूस हो जाएगी और ये हार्श इंपैक्ट कर देगा हमारे क्लाइमेट चेंज पे। दूसरी चीज़ है दोस्तों, सैलिनिटी इंक्रीज कर जाएगी वाटर टेबल की। वाटर टेबल क्या होता है दोस्तों, जो ग्राउंड लेवल में हमारा पानी है, ग्राउंड लेवल में जो इकट्ठा पानी है उसकी सैलिनिटी इंक्रीज हो जाएगी, उसे ही हम वाटर टेबल बोलते हैं। उसकी सैलिनिटी कैसे इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि जब हमारा सी लेवल इंक्रीज करेगा तो वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पे आके मिलेगा, और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पे आके मिलने के साथ क्या होगा कि अब वो सीपिंग होगी उसके ग्राउंड में, और सीपिंग जब उसके ग्राउंड में होगी तो वो ग्राउंड वाटर से जाके मिक्स होगा, और सैलिनिट जो हमारा ओशन का वाटर होता है इसकी सैलिनिटी 35 पार्ट्स पर 1000 होती है, मतलब सैलिनिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, नमक ज़्यादा होती है, लवणता ज़्यादा होती है। जब वो लेस सैलिनिटी वाले वाटर से मिलेगा तो वो क्या होगा, उसका सैलिनिटी इंक्रीज कर जाएगी, तो इसलिए हमारा जो ग्राउंड वाटर होगा ये पॉल्यूट होना शुरू हो जाएगा, पीने लायक नहीं बचेगा, तो हमारी सैलिनिटी इंक्रीज कर जाएगी वाटर टेबल में। इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि जब ग्लेशियर्स पिघलेगा तो प्रॉब्लम ये होती है कि एक हमारा इंस्टीट्यूट है इंटरनेशनल कमीशन फॉर स्नो एंड आइस, इसने हिमालयन ग्लेशियर पर, इवन सारे ग्लेशियर्स पर, लेकिन हिमालय ग्लेशियर्स का एग्जांपल बताता हूँ, यहाँ पे इन्होंने स्टडी करी है। तो बेसिकली ये क्या है कि जो हमारा ड्राई लैंड है, ठीक है, हमारा जो भी पानी का सोर्स है, जो ड्राई लैंड है, इसको फेड करती हैं ये हमारा ग्लेशियर्स, वहीं से पिघलकर पानी आता रहता है, और जो रिवर्स फेड करती हैं उसमें गंगा है, इंडस है, ब्रह्मपुत्र है, सालवीन है और एलो रिवर्स हैं, इनको ये ग्लेशियर्स पानी फेड करते हैं, वाटर फेड करते हैं। लेकिन जैसे ये पूरे पानी पिघल जाएंगे, पूरा ग्लेशियर पिघल जाएगा तो ये तो फेड होगा नहीं, तो पहले क्या होगा, जब ग्लेशियर्स पिघलेगा तो पहले वाटर लेवल हमारा इंक्रीज करेगा, और देन उसके बाद क्या, जब पिघल जाएंगे तो डिक्रीज कर जाएगा। तो इससे हमारा क्या होगा कि जो भी हमारा इंडो गंगेटिक प्लेन है, ब्रह्मपुत्रा का प्लेन है, इंडस का प्लेन है, यहाँ पानी इंक्रीज होगा तो वहाँ के जो आसपास में लोग रहते हैं उनको भी काफ़ी परेशानी होगी, और वहाँ का जो क्रॉप होगा वो भी काफ़ी बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे हार्श इंपैक्ट पड़ने शुरू हो जाते हैं, और इस तरह से हमारा क्रॉप यील्ड क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। और यही यदि पैटर्न चलता रहा ग्लेशियर्स पिघलने का हमारा हिमालय रीजन में, तो जिस तरह से ये श्रिंकिंग हो रही है तेजी से, तो ये 2035 तक हमारा पूरा सिंक हो जाएगा जो भी हमारे हिमालयन ग्लेशियर्स है। तो ये रहा हमारा इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज का ऑन एग्रीकल्चर।